हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आज आपको कुंदरू की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने कुंदरू ले लिया है और ये मैंने इसको महीन महीन करके काट लिया है लंबे में। उसके लिए लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, नमक, हल्दी, जीरा, ये मैंने कढ़ाई रख दी है और इससे मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा तेल ज़्यादा रहने से अच्छे से भुन जाती है। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और ये लहसुन छोटे छोटे बारीक काट के डाला है मैंने। उसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये खाने में थोड़ा सा खट्टापन लगता है, इस सब्ज़ी में अच्छा लगता है। इसको मैं अच्छे से चलाऊंगी ताकि ये ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद जो मैंने कुंदरू को काट रखा है उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसको लगातार चलाना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाना है। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी लाल होके भुनने लगी है। ये भुनने पे बहुत टेस्टी लगता है। इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। अब पीछे थोड़ी सी लाल हो गई थी, अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और मिक्स करके फिर थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है ताकि सब्ज़ी में कलर अच्छा आए। और ये देखिए लगभग मेरा भुन गया है, धीरे धीरे भुन ही रहा है। और ये भुन के एकदम थोड़ा सा गल जाता है तो सब्ज़ी थोड़ी सी हो जाती है। और इस पर मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। सब्ज़ी मेरी हो गई है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कुंदरू सब्ज़ी कैसे बनी।